लाहौर में तो कैंप जो है वो हमारा ज़्यादातर इंडोर प्रैक्टिस वगैरह हुई है, क्योंकि वहाँ पे बारिशें हो रही थी काफ़ी, तो हम लोगों को मौका नहीं मिल सका कि हम लोग आउटडोर कर सकें, लेकिन स्टिल वहाँ पे फिटनेस पे काम हुआ, हमने इंडोर नेट्स भी किए, स्किल्स पे भी काम हुआ। लेकिन कराची में जो है यहाँ पे हमें मैचेस खेलने का भी मौका मिला, और गेम सिनेरियो था उसमें स्किल्स पे भी काम हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो काम हमने किया, जिस चीज़ को हमने फोकस किया हुआ था वो था फिटनेस। फिटनेस पे यहाँ पे काफ़ी उसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, प्लेयर्स जो हैं वो बहुत पोटेंशियल है, और दे रियली वॉन्ट्स टू लर्न, ठीक है, उसमें वो चाहे वो स्किल्स हैं, उसमें चाहे वो उनकी फ़िटनेस लेवल वो कैसे ऊपर लेके जाना है वो देख रहे हैं। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको पता है कि आगे क्रिकेट जो है वो बहुत कंटिन्यूसली हमारी क्रिकेट है, तो ये एक टाइम है जिसको वो मैक्सिमम यूटिलाइज़ हम लोग कर सकते हैं, और उसमें स्किल्स पे भी काम हो रहा है और फिटनेस पे भी काम हो रहा है। बिल्कुल, इस तरह के जो कैंप्स होते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप जब टीम के साथ होते हैं तो आप उन प्लेयर्स के साथ तो काम कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी टीम में होते हैं, तो उनके आपको पता है कि किन किन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जो आपके लोकल प्लेयर्स हैं, जैसे ये कराची के लोकल प्लेयर्स हैं, लाहौर के लोकल, जो कि टीम में नहीं होते, और आपको उनकी बेंच स्ट्रेंथ बनानी है, तो उनकी टेक्निक हो गया, उनकी फ़िटनेस हो गया, उनके स्किल्स लेवल को कैसे बेहतर करना है, तो इस तरह के कैंप्स जो है कोचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो उनके साथ भी काम कर सकें। इसके बाद हमारी जो है वन एंड हाफ मंथ के बाद हमारी क्रिकेट कंटिन्यूसली है, फिर हमारे पास कैंप्स के लिए इतना टाइम नहीं होगा, तो ये एक हमें ये एक बेहतरीन टाइम है। हमारे पास 1 से 2 महीने हैं जिसमें हम स्किल्स पे काम कर सकते हैं, जिसपे क्योंकि हमारे जो आगे मैचेस नियरली 15 ODIs मैचेस हैं, 17 के करीब हमारे T20 हैं, तो कंटिन्यूसली क्रिकेट है, तो ये एक टाइम है जहाँ पे हम प्लेयर्स के साथ स्किल्स पे काम कर सकते हैं, उनकी फ़िटनेस पे काम कर सकते हैं। तो आई थिंक इसको जितना मैक्सिमम हम यूटिलाइज़ करेंगे उतना प्लेयर्स के लिए अच्छा है।